हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और आप देख रहे हैं मनमुखी पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास का निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर नंबर 3 से है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो इस ज्यामिति के अंतर्गत कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले इसकी अवधारणा को हम समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। किसी कार्तीय तल में दो लंबवत रेखाएं परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं और चार चतुर्थांश में विभाजित करती हैं। तो ये कार्तीय तल जो हमारा है, चार चतुर्थांश का बना होता है, चार चतुर्थांश में विभाजित होता है। और वो विभाजित किससे होता है, तो y अक्ष से और एक अक्ष x अक्ष से। ये हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि चार चतुर्थांश में कार्तीय तल को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है, तो हम कहेंगे कि x अक्ष तथा y अक्ष द्वारा। इसमें हम समझते चलेंगे और जितने भी कंसेप्ट हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब क्लियर करते चलेंगे। तो ये चतुर्थांश जो है, चार चतुर्थांश यहाँ है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। ये है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद तथा चतुर्थ पाद भी बोला जाता है। अब ये जो x अक्ष है, दाहिने ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। जैसे ये है, ये ऋणात्मक बोलेंगे, ये निगेटिव है, इधर धनात्मक। उसी तरह से y अक्ष जो है, ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। ऊपर y से और नीचे y डैश से इसे सूचित करते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम O से सूचित करते हैं और इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु पर क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु क्या है, तो हम कहेंगे कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। अब x अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिने धनात्मक संख्याएं और मूल बिंदु से बाएं x अक्ष पर ऋणात्मक संख्याएं। उसी प्रकार y अक्ष पर ऊपर की ओर मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक तथा मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं हम रखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक, जो निर्देशांक है, उसे हम x तथा y से सूचित करते हैं। पहले x बाद में y, ये हम दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि यहीं से मिस्टेक होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक पहले x बाद में y। तो यहाँ प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस प्लस होता है। कोई भी संख्या हो, इसमें पहले प्लस बाद में प्लस, दोनों प्लस प्लस नहीं होगा। जैसे प्लस एक्स प्लस वाई। अब एक्स के जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी, वाई के जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी। इसी तरह से दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, इसका मतलब कि एक्स माइनस वाई प्लस। अब तीसरे चतुर्थांश में उसी प्रकार से माइनस माइनस होता है, अर्थात एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक और y ऋणात्मक होता है, यहाँ धनात्मक और y ऋणात्मक। तो इस तरह से हम इसकी परिकल्पना करते हैं और ये हम समझ रहे हैं क्यों होता है ऐसा। तो आइए थोड़ा सा एक चतुर्थांश पर विचार करते हैं। ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये होता क्यों है? तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी निर्देशांक का बिंदु जो है P है, पहले x बाद में y। तो हम देख रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश की हम बात करें तो ये किन दो अक्षों से बना हुआ है, तो धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से बना हुआ है। अर्थात x भी जब लेंगे तो प्लस ही होगा, क्योंकि ये सभी प्लस हैं, और y भी जब लेंगे तो ऊपर तो पूरा धनात्मक ही होगा, तो ये भी प्लस लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश की। तो इसमें x जो है ऋणात्मक, x ऋणात्मक, तो x का मान हमेशा माइनस, अर्थात माइनस, और y का मान इसमें जो है दूसरा है, y का मान धनात्मक है, तो y धनात्मक, इसलिए यहाँ धनात्मक। इसी तरह से हम इसकी परिकल्पना करते हैं। अब थोड़ा सा
हम ये समझते हैं इम्पोर्टेंट दो शब्द हैं भुज और कोटि। तो भुज क्या है, कोटि क्या है? तो मुख्य रूप से एक्स अक्ष को भुज हम बोल सकते हैं, किंतु भुज की परिभाषा है, भुज को समझने की एक बात है कि वाई अक्ष से लंबिक दूरी भुज कहलाती है। वाई अक्ष से कोई भी वाई, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वहां से लंबिक दूरी भुज कहलाती है। अब कैसे लंबिक दूरी, तो लंबिक का मतलब लंब, यहाँ 90 डिग्री, लंबिक का मतलब 90 डिग्री, और ये जाएगा किस ओर, तो एक्स अक्ष की ओर ही जाएगा, तो इसलिए एक्स को भुज से सूचित किया जाता है। इसके बाद वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि एक्स अक्ष से लंबिक दूरी कोटि कहलाती है। तो याद रखेंगे हम कि एक्स भुज को सूचित करता है, जबकि वाई कोटि को सूचित करता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि भुज, कोटि, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, और इस पूरा तल को कार्तीय तल बोलते हैं, और ये चार चतुर्थांश होता है। हम ये भी समझ गए कि एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिने धनात्मक, बाएं ऋणात्मक, और ऊपर वाई अक्ष पर ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। तो आइए देखते हैं कि इस तल में किसी बिंदु को दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है 4, 3, ये कोई बिंदु है, ये ए बिंदु है, तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे, आइए देखते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए आइए देखते हैं 4 और 3 को कार्तीय तल में दर्शाना है। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेंगे x बराबर 4, y बराबर 3 लिखेंगे, नहीं समझने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, x पहले हमेशा x बाद में y, तो x बराबर 4 यहाँ लेंगे और y बराबर 3 है, तो 3 तक इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे, इधर से भी ले जाएंगे x के समांतर, ये y के समांतर जाएगा, यहाँ क्रॉस करके मिलेगा, यही होगा 4, 3, पहले x बाद में y, 4, 3 को हमने दिखा दिया, बस 9 क्लास में यही जानना है, इतना ही तब जानना है। फिर देखते हैं एक और बिंदु b, b बिंदु है जिसका निर्देशांक है 5, -4, आगे देखते हैं b बिंदु 5, -4, तो इसमें x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा -4, ये यहाँ से हम देखते चलते x बराबर 5 अर्थात धनात्मक, तो x बराबर 5 और y बराबर है -4 अर्थात नीचे की ओर, तो यहाँ से ले जाएंगे और 5 से यहाँ गिराएंगे, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ मिलेगा, ये भी होगा b 5, -4, हमेशा x पहले होगा और y बाद में होगा, x ये होगा और y ये होगा। अब एक और बिंदु उदाहरण के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर हम बिंदु दिखाएंगे -3, -5, तो हम देख रहे हैं कि x बराबर -3, क्योंकि पहले जो है वो माइनस होता है, बाद में जो है वो y, पहले जो है वो x होता है और बाद में y होता है, तो x बराबर 3, y बराबर -5। अब हम तल में देखेंगे x बराबर -3 अर्थात बाई ओर यहाँ है, और y बराबर -5 अर्थात नीचे यहाँ है, यहाँ से हम लंबवत बढ़ेंगे, यहाँ से भी लंबवत बढ़ेंगे, जहाँ मिला ये मान लीजिए c बिंदु है, तो इसे c नाम रख देंगे और -3, -5 इसका निर्देशांक लिख देंगे, यही है इसका निर्देशांक। तो इस तरह से तल में किसी भी बिंदु को हम दर्शा सकते हैं जब निर्देशांक पता हो। अब एक क्वेश्चन 9th में और है इसके उल्टा, कि आप ये है एक बिंदु K, इसका नाम बताइए, इसका निर्देशांक लिखिए, इसका निर्देशांक लिखना है K का निर्देशांक, तो K का निर्देशांक क्या होगा,
तो हम जानते हैं कि पहले x बाद में y, तो x कितना है -5, x बराबर -5, y बराबर कहां से आया है 6 से +6, तो हम जानते हैं कि x कॉमा y होता है अर्थात निर्देशांक बराबर -5, 6। बस नाइन्थ क्लास का नियामक ज्यामिति समाप्त, बस यही दो है। पहले एक्सरसाइज में है टेबल लैंप की स्थिति दिखाना, फिर दूसरे एक्सरसाइज में ये सब है, और अगर कोई भी बिंदु दिया जाए तो हम इसी तरह से दर्शा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और कुछ इसमें विशेष समझना है तो कमेंट करें। धन्यवाद।